हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शेक्सपियरियन सोनेट नंबर 29। सोनेट नंबर 29 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सोनेट के कुछ की फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसके जो की फैक्ट हैं इसके जो की फैक्ट हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देखें जिससे आपको सोनेट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको सोनेट नंबर 29 की लाइन डिस्कस करूँगा और उन लाइनों पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। अच्छा देखो, शेक्सपियर की जो भी लाइनें हैं जिनमें से आप देखोगे जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो फर्स्ट लाइन ही अपने आप में सोनेट का भी नेम होती है। इसलिए आपको दोनों जो सोनेट एल्टीग्रेड के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, दोनों की यानी कि फर्स्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए। और फर्स्ट क्या मुझे लगता है कि लाइनें तो हमें सभी अच्छा तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें क्या करता है पता है कि किसी एक वर्ड को आपको ब्लैंक में दे देगा और यहाँ से आपको चार ऑप्शन देगा, फिर आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द यूज हुआ है। तो इसके लिए आपको लाइन अच्छा तरीके से पता होनी चाहिए। ओके, क्या कह रहा है देखो, इस सोनेट में आप देखोगे सोनेट नंबर 29 है, सोनेट नंबर 1 to 126 उसने अपने फ्रेंड्स को दी हुई है। ओके, डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। ओके, आप कहोगे जॉर्ज हार्वर्ड जो है ना उसके लिए दी हुई है, हेनरी रिसले भी इनकी फ्रेंड्स में आता है। ओके, तो इस समय पर यानी क्या है, जो स्पीकर है यानी कि जो शेक्सपियर है ना, वो क्या है अपने आप में, अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है। ओके, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करता है और क्या कहता है देखो कि वैन इन डिस्ग्रेस। अच्छा, डिस्ग्रेस क्या है देखो, डिस्ग्रेस का मतलब है जब वो अपने आप को दुखी पाता है। ओके, जब वो दुखी होता है तो वैन इन डिस्ग्रेस, जब वो यानी क्या है दुखी है विद फॉर्च्यून, किसे कि जो भाग्य है ना उसका, उसका भाग्य उसका उतना अच्छा प्रकार से यानी क्या है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको उसका फेवर नहीं कर रहा है। एंड मेंस आई, और व्यक्तियों की नजरों में भी उसकी अब उतनी पहचान नहीं है, इतनी यानी क्या आप कहोगे इतना उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। आई अलोन, ओके, आई ऑल अलोन बिबीप, क्या कहता है कि आई ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला होकर के जब इन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। और बिबीप का मतलब क्या है, रोना, और मैं रोता हूँ। माई आउटकास्ट स्टेट, किस दशा पर। अच्छा, स्टेट का मतलब क्या है, अपनी पोजिशन। ठीक है, तो अपनी पोजीशन पर क्या करता हूं, मैं दुखी होता हूं और कैसा फील करता हूं, जैसे कि आउटकास्ट कर दिया गया हो मुझे, जैसे कि मुझे समाज से निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत कर दिया गया हो, मैं अपने आप को ऐसा फील करता हूं। तो क्या कहना चाह रहे हैं देखो कि वेन इन डिस्ग्रेस, जब मैं यानी क्या होता हूं बड़ा दुखी होता हूं, विद फॉर्च्यून, क्योंकि उसका जो भाग्य है ना वो भी उसे फेवर नहीं कर रहा है। एंड मेंस आई, और व्यक्तियों की नजरों में क्या हो चुका है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसे व्यक्तियों की नजरों में भी समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया गया है, उसकी जो स्टेट है उसकी जो पोजिशन है समाज में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब वो इस बात को विचार करता है तो दुखी होकर के अकेला क्या करता है, रोता है। एंड ट्रबल्ड डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइस, और देखो आप क्या कहता है, एंड ट्रबल्ड डीप हेवन। अब आप जानते हो कि जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो उस टाइम पर गॉड की शरण में जाता है, यानी अपने दुख जो है गॉड से यानी क्या करता है, व्यक्त करता है। और यहाँ पर आपका जो स्पीकर है ना वो भी यही कह रहा है, एंड ट्रबल्ड, और क्या है कि जब वो दुखी होता है तो क्या करता है, वो गॉड को पुकारता है। और फिर उस समय पर क्या होता है कि देखो डीप हेवन, हेवन को यहाँ पर क्या कहा गया है, डीप। और देखो हेवन का मतलब यहाँ गॉड से ही है, ध्यान रखो कि गॉड भी अब उसकी बातें क्या है ना, उसके लिए क्या हो गया, डीप। डीप को मतलब जानते हो, बहरा, सुन नहीं रहा उसकी आवाज को, उसकी पुकार को सुन नहीं रहा है। डीप हेवन, गॉड जो है ना वो अब उसकी पुकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, गॉड भी उसके लिए क्या हो गया है, आपको उसकी समस्या को अनदेखा कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विद माई बूटलेस क्राइस, ऐसा लगता है कि अब मेरा ये रोना, क्राइस का मतलब क्या है, दुखी होना, रोना, कैसा हो गया, बूटलेस का मतलब आप कहोगे यूजलेस, अब तो ये भी बेकार जा रहा है, अब इस गॉड को पुकारने का भी उसे कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा लग रहा है कि गॉड भी अब उसकी यानी क्या पुकार को नहीं सुन रहा है और उसका ये रोना भी उसके लिए यूजलेस यानी क्या व्यर्थ साबित हो रहा है। एंड लुक अपॉन माई शेल्फ, और फिर वो क्या करता है, जब गॉड भी उसकी पुकार नहीं सुनता, जब गॉड भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो वो फिर अपने आप को अपनी स्थिति को देखता है और क्या कहता है, एंड लुक अपॉन माई शेल्फ, फिर मैं अपने आप को ही देता हूँ, एंड कर्ज माई फेट,
और फिर जब मैं अपने आप को देखता हूं, महसूस करता हूं, तो उसके बाद से क्या करता हूं, मैं कर्स्ड माई फेट, अपने इस दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य को मैं क्या करता हूं, कर्ज करता हूं। कर्ज का मतलब जानते हो, कोसना। ओके, उस भाग्य पर ही, यानी क्या करता है जो स्पीकर है ना, उस भाग्य पर ही दोष यानी क्या है लगाता है और क्या कहता है कि मेरा भाग्य ही बेकार है। ओके, मेरा भाग्य ही इस तरीके का है कि उसे मुझे किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, और मैं अपने आप को यानी क्या करता हूं, जब ये दुखी पाता हूं तो मैं गॉड को पुकारता हूं और ऐसा लगता है कि गॉड भी मेरी इस प्रेयर को नहीं सुन रहा, उसके लिए वो भी यानी क्या है बेकार है, अब वो भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। अच्छा, क्या कहता है, देखो अब वो अपनी खुद की तुलना क्या करता है, अपने उस समय के उन महान लोगों से कर रहा होता है जो अपने आप में उस समय पर कैसे थे, संपन्न थे, उनकी तरफ सोचता है। विशिंग कि मैं उम्मीद करता हूं, मी लाइक टू वन, एक ऐसे व्यक्ति की मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं भी ये कामना करता हूं, मैं ये एक यानी क्या भगवान से ये आशा करता हूं कि मेरी स्थिति भी कैसी हो, वन मोर रिच, कि मैं थोड़ा सा रिच हो जाऊं। ओके, इन होप, होप का मतलब क्या होती है, आशाएं, कि उसकी आशाओं में, उसकी उम्मीदों में वो अपने आप को थोड़ा सा रिच पाए, यानी कि उसकी उम्मीदें थोड़ा सा कैसे हो जाए, होपफुल हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से यानी क्या कर रहा होता है वो गॉड से यानी क्या है प्रे करता है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बोल रहा होता है। और फिर कहता है कि फीचर्ड लाइक हिम, अरे भाई जो व्यक्ति यानी क्या धनवान है, जिसके पास में यानी क्या काफ़ी कुछ होप उम्मीद हैं, मैं भी भगवान से यही कामना करता हूँ कि फीचर्ड लाइक हिम, कि भगवान मुझे भी आप उसी की तरह बनाओ, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी ही फीचर का मतलब क्वालिटी, मेरे अंदर भी उसी व्यक्ति की तरह यानी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो कैसा है, अपने आप में रिच है, जिसकी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। काश मैं गॉड से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो भाग्य है ना, मेरा भाग्य भी उसी की तरह होना चाहिए। विद फ्रेंड्स यू नो पोजिस्ट, जिस प्रकार का भाग्य क्या है, देखो विद फ्रेंड्स, जैसा कि उसके मित्रों का, और पोजिस्ट का मतलब जानते हो, आप कहोगे हेड, जिस प्रकार का भाग्य उसके यानी क्या मित्रों का है, जो यानी क्या फॉर्च्यून उसके मित्रों के पास है, जो पहचान उसके मित्रों ने पाई है, जो धन संपत्ति उनके उसके मित्रों के पास है, काश ऐसा ही उसके पास भी होना चाहिए, ये गॉड से यानी क्या है कामना कर रहा होता है। और फिर क्या कहता है, देखो डिजायरिंग, डिजायरिंग का मतलब समझते हैं, इच्छा करना। दिस मैन सी नॉट, और उस समय के यानी क्या जो लोग थे, जो उस समय के यानी क्या कुछ लोग थे, जैसे कि जिनके पास में आप कहोगे अच्छी पोएट्री लिखने की कला थी, और अच्छा यानी क्या उन्होंने क्या कर रखा था, अपना नेम जो है ना वो अर्न कर रखा था। ओके, नाम कमा रखा था, उन लोगों से अपनी तुलना करता और क्या कहता है कि डिजायरिंग दिस मैन आर्ट, काश मेरे अंदर भी उस व्यक्ति जैसी आर्ट होती कि मैं भी क्या करता, एक अच्छे बड़े लेख लिख पाता, लोग मुझे भी जान पाते। ओके, तो डिजायरिंग दिस मैन सी नो आर्ट, तो मैंस आर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ये किसी एक ऐसे पॉइंट से क्या कर रहा है, जो महानतम जो पॉइंट थे ना उस टाइम के, उन लोगों से कॉम्पेरियन कर रहा है अपना और कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसी कला होती कि मैं भी इन लोगों की तरह क्या है एक अच्छी पोएट्री लिख पाता। एंड दैट मैन इन स्कोप, और फिर उस व्यक्ति जैसा ही मेरा भी क्या होता, स्कोप होता, मतलब मेरा भी लेवल होता, स्टैंडर्ड होता। ओके, चाहो तो आप स्टैंडर्ड बोल सकते हो। तो फिर क्या कहता है, एंड दैट मैंस स्कोप, और अगर उसके पास ऐसी कला होती तो फिर क्या होता, फिर तो उसका स्टैंडर्ड भी उस व्यक्ति की तरह होता, फिर उसका स्टैंडर्ड समाज में आउटकास्ट जैसा महसूस नहीं कर रहा होता, समाज में उसका लेवल भी बहुत अच्छा होता। ओके, विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय, और कुछ मेरे पास ऐसा होता फिर तो क्या, देखो विद वॉट यानी कि जिससे आई मोस्ट एंजॉय, मैं अपनी इस स्थिति का बहुत अच्छा तरीके से अपने आप को क्या कर पाता, अपनी स्थिति को, अपने इस स्टैंडर्ड को मैं एंजॉय करता, कंटेंटेड, और अपने आप को संतुष्ट महसूस करता, लीस्ट का मतलब कम से कम। तो उस समय पर अगर मेरे पास में वास्तव में क्या होता, मेरे पास में जो मेरे समय के क्या हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास पोएट्री लिखने की अच्छी कला है, जिनका स्टैंडर्ड समाज में बहुत अच्छा है, काश मेरा भी ऐसा ही होता, तो मैं उस स्टैंडर्ड से और उस आर्ट से क्या करता, अपने आप को संतुष्ट महसूस करता और अपनी इस स्थिति को एंजॉय करता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और क्या कहता है, देखो, अच्छा देखो ये यहाँ से ले, आप देखोगे चार लाइनें हुई, एक क्वाटरेन हुआ, ये एक चार लाइनें हुई, ये एक क्वाटरेन हुआ। ओके, और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ, ये भी एक क्वाटरेन है। ओके, और फिर से क्या होता है, एक कपलेट होता है, तो अभी हम लोग कपलेट को डिस्कस करेंगे। देखो एक क्वाटरेन और है, इसे समझेंगे क्या कहता है। देखो, यट इन दीज थॉट्स,
येट का मतलब फिर भी, इन दीज थॉट्स यानी इन विचारों में माई सेल्फ आल मोस्ट यू नो डिस्पाइजिंग। अच्छा, कभी कभी जब मैं इन विचारों को सोचता हूँ कि मेरे पास उन लोगों के पास ये है, मेरे पास नहीं है, वो लोग धनवान है, उनके पास आर्ट है, मेरे पास ऐसा नहीं है, अगर मैं जब इस स्थिति को अपनी को सोचता हूँ इन विचारों के बारे में, यानी क्या है, जब ये विचार मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं अपने आप को कैसा फील करता हूँ, डिस्पाइजिंग। डिस्पाइज जानते हो, डिस्पाइज का मतलब हुआ क्या है, डिस्पाइज क्या होता है, तो आपको वो हेट करना। तो मुझे अपनी इस स्थिति से और अपने इन विचारों से घृणा हो जाती है, मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे अंदर इस प्रकार की यानी क्या है विचार क्यों हैं। ओके, हैप्पली आई थिंक, शायद फिर मैं सोचता हूँ कि ऑन दी यानी कि उन्हीं चीज़ों पर, एंड देन माई स्टेट, और फिर अपनी इस स्टेट का मतलब यहाँ वही पोजिशन है, ठीक है, पोजीशन। तो क्या कहता है, देखो, हैप्पली आई थिंक, हैप्पली का मतलब तब अचानक से यानी क्या है, मैं अपनी इस स्थिति पर सोचता हूं, एंड देन माय स्टेट, और फिर अपनी इस दशा को जब मैं विचार करता हूं तो क्या होता है कि लाइक टू, जिस प्रकार से, ओके, किस प्रकार से सोचता हूं कि लाइक टू द लार्क, लार्क जानते हो, ये एक पक्षी होता है जिसे आप लावा कहते हो हिंदी में, तो एक लावा पक्षी की भांति क्या करता हूं, एट यू नो ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे ब्रेक ऑफ डे का मतलब हुआ, इस ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है यू नो मॉर्निंग, सुबह का समय, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो, कि लाइक टू द लार्क, और फिर अपनी तुलना करता है कि मुझे तो किसकी तरह, एक लावा पक्षी की तरह होना चाहिए, ओके, मुझे तो एक पक्षी की तरह, एक लावा पक्षी की तरह होना चाहिए जो क्या करता है, ब्रेक ऑफ डे, सुबह होते ही, राइजिंग का मतलब उठ जाता है, ओके, जो सुबह होते ही उड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता से क्या करता है, गीत गाता है, फ्रॉम सलन अर्थ, इस किससे उड़ता है, देखो यू नो फ्रॉम सलन, सलन का मतलब है आप कहोगे सैड, ठीक है, तो इस यानी क्या है शेड, इस सॉरोफुल, इस अर्थ का मतलब इस धरती से, इस पृथ्वी से, वो यानी क्या सुबह ही जाग जाता है और क्या करता है, सिंग्स यू नो हिम्स एट हेवंस गेट, और क्या, देखो सिंग्स का मतलब गीत गाता है, ओके, हिम्स जानते हो, हिम्स का मतलब होता है आप कहोगे रिलीजियस जो सॉन्ग होते हैं ना, जो गॉड की प्रशंसा में गाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिम्स, उन्हें हम लोग हिम कहते हैं। एट हेवंस गेट का मतलब क्या है, आप कह सकते हो लाइक यू नो टेम्पल, ठीक है, और उसके गेट पर बैठ करके क्या करता है कि वो बड़ी प्रसन्नता से यानी क्या गीत गाता है, तो वो पक्षी भी अपने आप को कितना अपने आप को यानी क्या प्रसन्न महसूस करता है, ओके, तो फ्रॉम सलन अर्थ, जो क्या करता है कि भाई मुझे तो कैसा बनना चाहिए, मुझे तो एक लावा पक्षी की तरह होना चाहिए जो सुबह ही क्या करता है, इस यानी क्या है इस सॉरोफुल इस संसार में यानी क्या वो जागता है, लेकिन जागता दुखी है, लेकिन क्या करता है सिंग्स इन हिम्स, लेकिन बड़ी प्रसन्नता से वो तो भगवान की प्रीज में क्या करता है उसकी हेवंस गेट यानी कि स्वर के, हेवन का मतलब स्वर, या फिर आप गॉड से मान सकते हो, और गॉड के लिए गेट का मतलब क्या हुआ, वो एक टेम्पल का गेट, तो वहां पर बैठ करके क्या करता है वो गीत गाता है और प्रसन्न रहता है। अब देखो यहाँ से ये दो लाइनें हैं, आप देखोगे ये कपलेट की लाइन है, और कपलेट में क्या आता है, तो आप कहोगे बोल्टा का यूज होता है, यहीं से राइटर के अपने यानी क्या हो जाएंगे विचार जो है ना, अब तक आप देखोगे तो इन सब में लाइनों में ऐसा हमें प्रतीत हुआ है कि वो अपने आप को बड़ा कितना दुखी महसूस करता है, लेकिन बोल्टा में इसके विचार चेंज हो जाते हैं और बोल्टा में वो अपने आप को आप कहोगे संतुष्ट पाता है, ओके, तो देखो क्या है, फॉर द स्वीट लव। अच्छा, अब वो देखो यहां से बात कर रहा है कि भाई जिन लोगों का प्यार मेरे जीवन में रहा है, उन लोगों के यानी का इस बहुत अच्छे यानी का इस प्यार के बदले, ओके, फॉर द स्वीट लव रिमेम्बर्ड, क्या कहता है कि मुझे अपने मित्रों से यानी क्या है जो प्यार मिला है ना, मुझे उसकी याद आती है, मैं उसे याद करता हूँ, सच यू नो वेल्थ ब्रिंग, और जब मैं उसे याद करता हूँ तो वही प्यार मेरे जीवन में इतना संपत्ति ब्रिंग का मतलब ले आता है, यानी मेरा जीवन उस संपत्ति से खुश हो जाता है, प्यार से भरी हुई यानी क्या है जो संपत्ति है ना, वो मेरे जीवन को क्या कर देती है, खुश कर देती है। दैट देन आई स्कॉर्न, और तब क्या करता है, देन आई स्कॉर्न, तब मैं स्कॉर्न करता हूँ, स्कॉर्न का मतलब भी क्या होता है, तो आप कहोगे हेट, ओके, तो दैट देन आई स्कॉर्न, तब मैं उसे घृणा करता हूँ, किसको, टू चेंज माई स्टेट यू नो विद किंग्स, कि अगर उस समय पर कोई भी व्यक्ति आकर के मुझसे क्या कहे कि अगर अपनी इस स्थिति को
तुम्हें यानी क्या है किंग बना दिया जाए, तुम्हें राजसी यानी क्या है सारी सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन तुम्हें यानी क्या कर दिया जाए तुम्हारी इस स्थिति को और राजसी स्थितियों से बदल दिया जाए, तो भी शायद मैं उस स्थिति को अब स्वीकार नहीं करूंगा, तो भी मुझे उससे क्या हो जाएगी घृणा हो जाएगी, यानी मैं फिर भी राजा बनना मुझे स्वीकार नहीं होगा, मैं अपने आप को अपने मित्रों से मिलने वाले यानी क्या उस प्यार से इतना प्रसन्न हूं कि शायद उसके लिए कोई मुझे किंग की स्थितियां भी प्रदान करने को तैयार हो, तो भी शायद मैं उसे प्रसन्न नहीं हो सकता। ओके, तो ये सोनेट नंबर 29 का एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो लाइनें हैं आप उन्हें अच्छा तरीके से समझो, और आप कहोगे इसके अंदर सोनेट नंबर 138 भी है और वो भी आपको उसकी भी लाइनें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। ओके, तो पहले आप इस पोइम को अच्छा तरीके से यानी क्या है पढ़ लो, तैयार करो, और डेफिनेट आपके पास में एलटी में तो आप कहोगे दो ही सोनेट हैं, तो दोनों सोनेट की लाइनें आपको बहुत अच्छा तरीके से पता होनी चाहिए। ओके, दर्शन बंद करो।